किसान साथियो, तीसरे महीने च दाखल हो गया साडा घोल। पिछले 48 घंटे च संसार पद्धर ते जिहड़ियां महान हस्तियां ने साडे घोल की सपोर्ट की है, उहदे च संसार प्रसिद्ध गायका रिहाना जिहदे करोड़ां ही फैन ने, ग्रेटा स्विट्जरलैंड की जिहड़ी दुनिया दे विच शुद्ध वातावरण बनाउण लई बहुत सत्कार की पात्र है, अमरीका की वाइस प्रैजीडेंट हैरिस की भतीजी मेरी हैरिस, उन्हां सारिआं ने एक जबान दे विच कहा कि जे भारत की सरकार अपने किसानों के शांतमई अंदोलन नूं सीमेंट दियां कंधां ला के रोक दी है, तिखियां सीखां लाउंदी लोहे दियां, उन्हां दी इंटरनेट सेवा कट दी है, किसानां दे शांतमई अंदोलन ते बगानी सरकार वांगू विहार करदी है, ते मोदी दे इस जुल्म तों दुनिया अणभिज नहीं रह सकदी। भारत की सरकार रोई पई है कल दी, साडे अंदरूनी मामलियां च हिस्सा लैंदे है, देश ते विदेश दे लोग इस गल तो बड़े देख रहे हैं कि मोदी ये बंदा प्रधानमंत्री है कि किसी तखाण की दुकान दे विच बनिया होया एक लकड़ का किला जिते कोई असर ही नहीं हो रहा, सब असर हो रहा, पिछे केड़ी ताकत है जेड़ी मोदी नूं किसानां दे हक च फैसला नहीं लैण देंदी। एक आम गल कीती जांदी है कि देश दे कल्ले कारपोरेट घराणे ये अबानी डानी जड़े है इहो ही इहनूं पिछों फड़ के बैठे हुए है। थोड़ा जिहा देखो कि साडे देश दे प्रधानमंत्रियों की चोण किदां हुंदी है, जे तुहानूं चोण दे ढंग दा पता लग जे तां फिर तुसीं भली भांत जाण सकदे आ कि साडे चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, इह इहनां दे पिछे जिहड़े वड्डे लुटेरे देश है जिन्हां नूं साम्राज्जी देश कहिंदे आ उन्हां दीआं वड्डीआं कंपनियां खड़ियां। मैं तुहानूं दो प्रधानमंत्रियों की चोण दसदा थोड़े समय च। साडे देश च इक प्रधानमंत्री रहा मनमोहन सिंह, जिहड़ा जिंदगी च कदी किसी पार्टी का मैंबर ही नहीं बनिया, जिन्हें सियासत च कदी हिस्सा ही नहीं लिया, उह संसार बैंक का मुलाजम सी, भारत दिवालिया हो रहा सी करजे थले, अंतरराष्ट्री मुद्रा कोष जिहड़ा दूसरा बैंक है भारत उहदे कोलों करजा लैण गया, बैंक ने जिहड़ियां 16 शर्तां लाइया उहनां च एक शर्त सी कि इह तीन बंदे लै जाओ साडे बैंक दे, इह तुहाडा देश चलाउणगे। जिहड़ियां तुसीं 16 शर्तां मन्नियां उहनां नूं इह लागू कराउणगे, तुहाडी सरकार साडा बैंक चलाऊ, बाकी वोटां वूटां तुसीं पाई जाओ, MLA नूं झंडियां लाई जाओ, कंट्रोल साडे हथ च होगा। मनमोहन सिंह ने बड़ा कुछ किया पर खेती सैक्टर दे विच जिहड़े उहने दो माड़े फैसले किए,
अज सानू लगता साडियां जमीनां चलियां। मनमोहन सोदे ताडा चौथा हिस्सा देश 20 साल पहला वेच गया। साडे देश की जिन्नी धरती है ओदा चौथा हिस्सा जंगल है। सात राज्यां दे विच पैंदा ओह जंगल। वदाद कंपनी इंग्लैंड दी जिन्नू रजिस्ट्री करके गया मनमोहन सिंह। 20 करोड़ उत्थे आदिवासी है, उन्हां नूं कहिंदे जंगल खाली करो, ये वेच दिता। वह कहिंदे पत्ते खा के गुजारा करदे आ, औरतां साडियां केले दे पत्ते नाल तन ढकदियां, कित्थे जाइए। गोलियां मारियां जा रहियां, लखां दी गिनती च लोकां नूं तारां च घेरिया होया, ते साडी जमीन खुसनी 20 साल तो चालू है। सारा मीडिया सारी सरकार इस गल ते लगी हुई है कि जे ओ लोक अगों लड़दे आ भी सानू इत्थे रहण दो, ते कहिंदे अतवादी है। दूसरी चोण मोदी दी हुई। मोदी गुजरात का प्रधानमंत्री सी, अजे एक साल चोण च रहिंदा सी। मोदी ने गुजरात के गांधी नगर शहर के विच दुनिया का 1000 वड्डा सरमायेदार ते कंपनी सदी, उन्हां नाल सौदा मारिया, मैं तुहानू जंगल भी खाली करा दू, तुसी जो मेरे देश चो लैना मैं तुहानू वह बेच दू, तुसी जहाज लैने जहाज बेच दू, रेलां रहणियां रेलां बेच दू, बीमा बेच दू, बैंक बेच दू, सारा मेरे मगर खलो, मैनू बनाओ प्रधानमंत्री। मैं नहीं कह रहा यह गल, देश दी नामवर लिखारी रुंती राय, उन्हें एक साल पहला लिखता कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि सौदा वज गया कि लहू दे बदले प्रधानमंत्री शिप ली जाऊगी, यही शब्द लिखे उन्हें। जो चोण होन लगी CNN अमरीका का एक चैनल है, उन्हें दी इंटरव्यू की मोदी दी कि जे तू जित गया ते जेडे 20 करोड़ लोग जंगल दे विच लड़ रहे हैं कि असी ये जमीन नहीं छड़नी, उन्हां दा फैसला की करेगा। जवाब की दिंदा, देखो कोई संगदा नहीं है, कहिंदा जे मैं प्रधानमंत्री बन गया मैं उन्हां नूं कहूंगा कि जंगल छड़ना के जंगल लहू दे नाल लाल करना, यह जवाब सी। जेड़ा बंदे की चोण ही इस गल ते होई कि यह मनमोहन सिंह नूं जालम है, कंपनियां मनमोहन सिंह नूं छड़ के राजी नहीं सी, कंपनियां उहदे पिछों इस करके हटियां कि उह कहिंदा सी इस तों वध कतलेआम मैं नहीं करा सकदा, खुल के कतलेआम हो रहा देश दे अंदर। मैं कई सालों तों कह रहा सी कि जिहड़ी फौज जंगल दे विच लगी हुई है 20 करोड़ लोगों नूं मार रही है, वह फौज पंजाब वल आने लई भी तैयार हो सकती है। मनमोहन सिंह ने जंगल नहीं वेचिया, अमरीका की कंपनी कारगिल उन्हें 50-50 हज़ार एकड़ के फार्म दिते करनाटक च, अज भी जाके वेखो अमरीका की कारगिल कंपनी उत्थे बीजा की खोज कर रही है। अमरीका की कंपनी मनसेंटो जिहड़ी जहरीले बीज पैदा करती है, पंजाब का अकाली चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल जिहड़ा कहिंदा जी अहीं ते मुख्यमंत्री है ही नहीं, अहीं ते सेवा करन आए हैं, उन्हें अमरीका की उस लटेरी कंपनी नूं लुधियाणे की यूनीवर्सिटी का कंट्रोल दिता,
कि तुसी अमरीका च कदली खोज करनी है, गंदे बीजा की खोज पंजाब च करो, सानू पैसे दो, साडियां यूनिवर्सिटियां खरीदो। अज अमरीका दियां ओ कंपनियां जेड़ियां डानियां बानियां नाल रल के इहदे सौदेबाजी कराउंदे आ, होर कहे जोगे नहीं हैगे इह, अंडानियां बानियां नाल रल के साडियां जमीनां दे कब्जा करन आ रहे आ, इह उहनां वल्लों कराया जा रहा सारा कुछ। तुसी वेखो कि सारी दुनिया साडे अंदोलन दे हक च खलोती आ, जदों प्रैशर वध्या अमरीका दे इत्थे साडे हिंदुस्तान दी सरकार ते इको देश बोलिया मोदी दे हक दे विच। परसों अमरीका दे प्रधानमंत्री दा बयान है कि जिहड़े मोदी ने बिल बनाए आ ये चंगे आ, ये किसानां दे हक च ने, ये लागू होण नाल किसानां दी आमदनी वधू। मैं पहला भी इत्थे एक दिन बोल के गया सी कि जिहड़ियां विदेशी कंपनियां, ये जिहड़े डाकू देश आ, ये यूरोपीन यूनियन दे देश, ये अमरीका, इन्हां दीआं कंपनियां इन्हां धौण ते गोडा रख्या होया सारी दुनिया दे, ये साडे राष्ट्रपति पाकिस्तान, बंगलादेश, आ मलेशिया, बर्मा, ये साडियां पार्लीमेंटा, ये सारियां वेखण नूं ही है, इन्हां दे पल्ले कख नहीं हैगा, इन्हां नूं अपनी मर्जी नाल कमाउंदियां ते इत्थे भी कमा रही हैं। साडियां पार्लीमेंटा किदां वेखदियां, मैं उदन बोल के गया सी कि अमरीका दी एक कंपनी कार जिहड़ी हैगी है वालमार्ट, उन्हें बिल पास कराउणा सी कि सानू परचून दे विच दुकाना खोलण की आग्या दित्ती जावे भारत में। पार्लीमेंट च रौला पिया, नहीं जी 3 करोड़ दुकानदार जिहड़ा वह वेला होजू, तां पर बिल पास हो गया। उस कंपनी दे मैनेजिंग डायरैक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हूं पुछया गया कि पार्लीमेंट दे ये बिल पास करन दे मूड च है नहीं सी, ये तुसीं किदां पास करा लिया। वो कहिंदा मैं ते हैरान हाँ, असीं हर रोज दुनिया दे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लीमेंटा खरीदते रहिंदे आ, पर मैं जे सब तो सस्ती पार्लीमेंट वेखी तो वह हिंदुस्तान की है, जेड़ी सारी दी सारी वालमार्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर कहिंदा कि सारी दी सारी पार्लीमेंट 12,000 करोड़ च वेगी। फिर मनमोहन सो आ गया, वो बिल लै के आया कि असी अमरीका दे नाल परमाणु समझौता करना, ओदी सरकार घट गिनती दी सरकार सी, सज्जे खब्बे कम्युनिस्टां दी सपोर्ट ना चल रही सी, कामरेड कहिंदे असी अमरीका नाल समझौता करना नहीं, पर वो बिल वापस नहीं लिया उन्हें। जब वोटा पैन लगियां, 2 दिन रह गए, तो सब नूं पता लग गया मनमोहन सिंह जित जाऊगा, क्योंकि टीवी ने दिखाया कि मनमोहन सिंह की जिहड़ी कार है वह अंबानिया के घर नूं जा रही है, अंबानी पैसे खर्चणगे, एम पी विकणगे ते मनमोहन सिंह जित जू, वह कुछ होया। अज मोदी नूं खतरा कि मैं इन्हां गुंडिया नाल पंगा लिया तो मेरे 373 ते उत्तर कोई नहीं, ये रातों रात इन्हां मुल लै लैणे आ। ये जिहड़े पार्लीमेंट दे मैंबर है इन्हां नूं किसे सत्कारयोग शब्द एम पी नाल नहीं नवाजना चाहीदा। एम पी का मतलब है मैंबर पार्लीमेंट, सत्कारयोग शब्द है।
मेरे हिसाब नाल इन्हां नूं वीगे कहना चाहिए वकाऊ कुकड़ जिहड़ा मर्जी इन्हां नूं मुल लै लै। अज दबाव आ साडी सरकार ते, इह कुश्ती हो रही है, किसान जितदे आ कि इह गुंडिआं दी फौज जितदी है। मैं दो गल्लां करके खत्म कर लगा। जिन्हें किसानां दी ताकत नूं घटा के वेख्या बचिआ नहीं कदी। असी कॉलेज पढ़ते सी जदों वीतनाम की ते अमरीका की जंग हो रही सी। अमरीका दुनिया की महाशक्ति जिदे को सर्वश्रेष्ठ फौज है अज भी दुनिया की। वीतनाम एक छोटा जिहा देश ते गरीब देश, उहदे किसान अमरीका दे थोपे हुए राष्ट्रपति दे खिलाफ लड़ रहे सी। 30 साल बंब मारे अमरीका ने, वीतनाम का उतला हिस्सा डालता धरती का, पर जितया कौन? हिस्टरी का रिकॉर्ड है कि वीतनाम के किसानों ने 1 लाख फौजी के हाथ खड़े कराए। 1 लाख फौजी ने अमरीका दे विच किसानों के सामने हाथ खड़े किए। ये दुनिया का रिकॉर्ड है। होर भी बहुत सारिया मिसालां दित्तियां जा सकदियां। कल जिन्ना समा मिलिया फिर हाजिर लवावांगे। वाहिगुरु जी का खालसा। धन्नवाद जी। अमर सिंह चीमा 3 मिनट लुधियाने तो बोलणगे। इहदे तो बाद एक नौजवान बच्चा जिहड़ा नर्सरी दे विच पढ़दा